नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 7वें कमीशन के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि 16 जनवरी की अपडेट हुई है। तो 7वें पेंशन कमीशन के अकॉर्डिंग जो 7वां वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीने हो जाएगी। वहीं 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये महीने होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18,000 की बजाय 26,000 रुपये महीने करे। वही फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुणा करके बजाय 3.68 गुणा करें। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18,000 के बजाय 26,000 रुपये महीने करें। वही फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुणा करके के बजाय 3.68 गुणा करें। 7वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीने हो जाएगी। वहीं 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये महीने होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको और भी अपडेट देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।